सन 64 से मैं फिल्मों से जुड़ा, यानी 64 में सागर और बीना के बीच में एक गांव में तीसरी कसम की शूटिंग थी। तो उसके पहले मैं विठ्ठल भाई के साथ जाके शैलेन को उनके खार वाले बंगले में दो बार मिल चुका था, मेरा शैलेन से परिचय था। तो जब शूटिंग हो रही थी तो विठ्ठल भाई ने फोन किया कि यार तुम कॉलेज से छुट्टी लेके आ जाओ। मैं गुजराती कॉलेज पढ़ा था। बोले क्या है, वो राज कपूर भी आ रहे हैं, शैलेन भी आ रहे हैं और फिल्म वाले सब पीने खाने वाले लोग होते हैं, हमारा परिवार तो ऐसा कुछ भी नहीं, उनका परिवार बड़ा शुद्ध शाकाहारी और शराब को छूते भी नहीं वो लोग जी, जी। तो बोला हमारी तरफ से संगत देने के लिए कोई आदमी चाहिए तो आप आ जाओ। तो ये शैलेन से तो मेरी दूसरी या तीसरी मुलाकात थी, पर राज कपूर से पहली मुलाकात जी। अच्छा, शूटिंग के बाद बैठते थे शाम को तो बातचीत होती थी, तो धीरे धीरे उनको ये पता चला कि मैंने अंग्रेजी साहित्य और हिंदी साहित्य में एम ए किया है। तो राज कपूर के भवन में पढ़े लिखे लोगों के लिए बहुत आदर था, ये बात उनको अपने पिता से उन्होंने ग्रहण की थी। देखिए, राज कपूर के सारे लेखक विद्वान लेखक हैं, ख्वाजा अहमद अब्बास, इंद्रराज आनंद, अर्जुन देव रश्क। देखिए, उसने कभी किसी मामूली लेखक से पटकथा नहीं लिखवाई है। तो उनको ये बड़ा शौक था पढ़े लिखे लोगों के बीच में उठना बैठना, उनसे पूछते रहना क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, ये सब चलता था। जैसे एक दिन मैं उनके कॉटेज में बैठा तो उनका भाई कलकत्ता से उनके किसी जान पहचान वाले ने किताब भेजी है हिंदी में, जैसे चौकसी जी इसको आप पढ़ना शुरू कीजिए। तो उस किताब के पहले पेज पर ये लिखा था कि रामकृष्ण परमहंस की ख्याति पूरे देश में फैल गई। तो बनारस के जो तोतापुरी महाराज थे उन तक ख्याति पहुंची, तो उनके मन में ये बात उठी कि उनको जाके रामकृष्ण परमहंस से मिलना चाहिए और एक बार परीक्षण करना चाहिए कि सचमुच में वो इतना विद्वान है क्या। तो वो बनारस पहुंचे तो सुबह सुबह घाट पर वो अपना रोटा वोटा मांग रहे थे, उधर से रामकृष्ण आ रहे थे। तो उनका, राम तेरी गंगा मैली है कलकत्ता में, गंगा का स्वच्छ पानी देखना तो बनारस आके देख। तो देखिए, परमहंस उस तरह के व्यक्ति नहीं जो कह दुर्गापुरी महाराज आप बकवास कर रहे हो, ये भाषा तो हम लोगों की अभी की है, पिछले 5-10 साल में सीखी हमने भाषा। उनका सत्य वचन महाराज, पूरे देश के पाप लेके गंगा कलकत्ता में तिरोहित करती है, इसलिए यहाँ मैली रहती। मैंने इतना बड़ा राजकुमार का पढ़ना बंद कर दो, अभी के अभी टाइटल रजिस्टर कराओ और राम तेरी गंगा मैली। तो मैंने कहा, महाराज आपका इसकी कथा तो आई नहीं। बोले, कथा 10 मिनट में बना लेते। उनका देखो, एक उद्योगपति है, एक नेताजी है कलकत्ता में, नेताजी को चुनाव लड़ने के लिए उद्योगपति पैसा देता है, नेताजी चुनाव जीतने के बाद उद्योगपति को और पैसा बनाने का लाइसेंस देते हैं। तो मनी बिगेट ऐसा चलता है, मनी बिगेट पावर, पावर बिगेट मनी, ये साइकिल चलता है। तो हमारी कहानी तो सिंपल है, उद्योगपति का बेटा या बेटी और नेता के का बेटा या बेटी, इनकी प्रेम कथा बनाएंगे हम कि वो कॉलेज के एक्सकर्शन टूर पर गंगोत्री गए हैं, जबकि इधर वो जो नेताजी उनकी बेटी नहीं गई है, हीरो अकेला गया है वहाँ एक पहाड़ से, उसको प्रेम हो गया बिल्कुल और वो लौट आया और वो दादी माँ मरते वक्त उसको बाध्य कर दी कि जो बाप कह रहे हैं वो शादी करो, ऐसा जो भी था क्लाइमेक्स आपको सब मालूम क्या है जी। बिलीव मी सर, राज कपूर ने आधे घंटे में कहानी बना ली, आधे घंटे में ऐसी फिल्म बना।
Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.